हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फाइनली अभी मेरी नाइन्थ चल रही थी होली के टाइम पे, जो कि 6 दिन की लगाई थी इमरजेंसी में। वैसे तो नहीं लगती है, सो बर्न वार्ड में लगाई थी। वहाँ पेशेंट बहुत कम रहते हैं इस इमरजेंसी अगर कोई आ गया तो मैं अभी ये जो वार्ड है ये ए वार्ड है फीमेल सर्जिकल, मैं नीचे जा रही थी, मेरी फ्रेंड ने बुलाया था। तो अभी रात का समथिंग 11 बज रहा था, मैं नीचे गई थी। तो ये जो सामने दिख रहा है लेफ्ट साइड, ये हमारा मैडन ऑफिस है जहाँ लॉक लगा हुआ है। देन ये जो साइड में गेट दिख रहा है ये एफ वार्ड है चिल्ड्रन वार्ड, इसके बाद बी वार्ड, तो ये है मेल सर्जिकल वार्ड। ओके, देन ग्राउंड फ्लोर है नीचे, एंड ए फर्स्ट फ्लोर था तो नीचे जाना था, तो मैंने लिफ्ट ले ली। इसके बाद मैं नीचे गई, थोड़ी देर बैठी और बातें करी। यहाँ हमारा मेडिसिन वार्ड है डी वार्ड। देन मैं अपने रूम में यहाँ बर्न वार्ड में रिटर्न आ गई। सो मैंने सोचा ये भी दिखा दिया जाए। तो यहाँ पे फीमेल वार्ड है, देन ये मेल वार्ड है जहाँ बर्न वालों को रखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से अंदर इंटर करते हैं और ये हमारा स्टाफ रूम है, ड्यूटी स्टाफ रूम। देन ये भी नॉर्मल है, ठीक था, अच्छा है। मैंने यहाँ बहुत, मतलब फर्स्ट टाइम ड्यूटी लगी थी तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और ये थोड़ा वार्ड से अलग है तो थोड़ा अकेलापन ज़्यादा रहता है, पर एक सीनियर दीदी भी मेरे साथ जिनकी ड्यूटी लगी थी। इसके बाद मुझे जस्ट याद आया था कि मुझे रिमेनिंग बनानी है और मैं नीचे ही लेट हो गई थी वैसे भी, तो मैंने फटाफट फिर रिमेनिंग बनाई। मतलब रिमेनिंग बोले तो सारा सब कुछ, एबीएस लामा कितने पेशेंट आए गए ये सारा सब कुछ रिकॉर्ड देना पड़ता है जो नाइट सुपरवाइज़र रहते हैं उन्हें, तो वो सब किया। इसके बाद ये वॉच मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, तो इसमें ना मतलब ये बहुत पुरानी थी, समथिंग 2001 की वॉच है। तो मुझे देख के बड़ा वो लगा, मैंने कहा यार इतनी सारी चीज़ें जो पुरानी रहती है वो भी संभाल के और चालू कंडीशन में है। सो इस तरीके से मेरी नाइट ड्यूटी थी और अच्छा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।